हेलो, आई एम डॉक्टर रत्नरक्षित हिंगोले। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको जो नशे की प्रॉब्लम्स है, जिसको हम लोग सब्सटेंस यूज़ कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम जो यूथ में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कॉमनली बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके बारे में कुछ बात करूँगा मैं आपसे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप हमारे जो वीडियोस है, इससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ को लेकर, हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो प्रिवेलेंस है या जो नंबर ऑफ यूथ हमारी जो है वो धीरे धीरे काफ़ी नए नए तरह की सब्सटेंसेस जो है वो ट्राई कर रही है, और जो सब्सटेंस यूज़ की जो प्रॉब्लम है वो पहले हम लोग देखते थे कि थोड़ा सा जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनमें हो रही है, बट अभी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सब्सटेंस यूज जो है वो काफ़ी यूथ में काफ़ी कॉमन हो रहा है। और जहाँ तक हम लोग ट्रेंड की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो टोबैको यूज़ है, फर्स्ट टाइम टोबैको यूज़ है, वो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है, और डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि टोबैको जो है यंगर जनरेशन कंज्यूम कर रही है। तो स्मोक हो गया या फिर जो वेप होते हैं वो आजकल हम लोग देखते हैं कि टोबैको यंगर जनरेशन ट्राई करती है। फर्स्ट ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ यंगर पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ड्रिंक जो है उनका 18 साल के नीचे ज़्यादा हो रहा है। फिर इसके अलावा और एक जो सब्सटेंस है जो कैनबिस हम लोग जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन जो काफ़ी ट्राई करने में हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। ये काफ़ी कॉमन सब्सटेंसेस है जो यूथ ट्राई करती है। तो टोबैको हो गया, फिर अल्कोहल हो गया और कैनबिस हो गया। तो ये यंगर पॉपुलेशन जो है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका कंजम्पशन जो यंगर पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो यंगर जनरेशन होते हैं या यंग लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस। तो एक तो हम लोग जिसको कहेंगे कि जो पीयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कॉमनली अगर आसपास के अगर कोई भी दोस्त लोग है या फ्रेंड्स है, अगर वो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो वो जो साथ में जो दोस्त हैं उनको प्रेशराइज करते हैं सब्सटेंस यूज लेने के लिए। और फिर बहुत बार जो यंगर पॉपुलेशन है वो अपने आप को बाकी लोगों से आइडेंटिफाई करने में या फिर उनमें फिटिंग होने के लिए बहुत बार सब्सटेंस इस तरह के जो है ट्राई करती है। फिर दूसरा एक कॉमन रीज़न है कि एक्सपेरिमेंटेशन ट्राई करना है, कि अगर नया सब्सटेंस लेके बहुत बार वो देखते हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंट करने के लिए इससे क्या होता है। तो यंगर जनरेशन में भी एक काफ़ी काफ़ी कॉमन सा रीज़न है कि वो इस तरह के सब्सटेंसेस ट्राई करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यंगर पॉपुलेशन में, एक सोशल लर्निंग नाम का चीज़ होता है, जिसमें वो किसी को अपना एक आइडल मानते हैं और उन्हीं का जो लाइफस्टाइल होता है वो कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो अगर वो कोई भी हो सकता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ हम लोग देखते हैं कि यंगर जनरेशन में काफ़ी कॉमन आइडल्स होते हैं, तो वो अगर किसी भी सेलिब्रिटी का लाइफस्टाइल इस तरह से है तो वो उनको कॉपी करने का कोशिश करते हैं। अगर अगर सेलिब्रिटीज इस तरह के सब्सटेंसेस ले रहे तो वो भी वो उनको इमिटेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कॉमन सा रीज़न है यंगर जनरेशन में सब्सटेंसेस ट्राई करने का। फिर और एक जो रीज़न हम लोग कहेंगे कि बहुत बार स्टडीज़ का प्रेशर होता है और परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो सब्सटेंस ट्राई करते हैं कि उनका स्टेमिना बढ़े, उनका कंसंट्रेशन बढ़े। तो वो इस तरह के सब्सटेंसेस ट्राई कर सकते हैं जिससे फोकस या कंसंट्रेशन बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से यूथ जो है वो सब्सटेंस यूज़ में इंडल्ज हो सकती है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, कि जो यंग ब्रेन होता है, एक यंग एडोलेसेंट या यंग अडल्ट का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी वल्नरेबल ब्रेन होता है, बिकॉज जो ग्रोथ होनी चाहिए ब्रेन की वो अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई होती है। तो ये जो फेज़ है इसमें बहुत वल्नरेबल फेज़ होता है। तो अगर हम लोग देखते कि जो अगर कोई भी यंगर जो पर्सन होता है, जितना जल्दी सब्सटेंस यूज ट्राई होता है, जितना यंग एज में सब्सटेंस यूज ट्राई होता है, उतना जो जो ग्रोथ होना चाहिए लाइफ में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं अभी भी पूरी तरह से नहीं मैच्योर हुए होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट ब्रेन के फंक्शंस है, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फोकस हो गया, अटेंशन, कंसंट्रेशन हो गया, सारे फंक्शन जो होते हैं ब्रेन के पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते।
अगर कोई जितना यंग एज में स्टार्ट करता है सब्सटेंस से, उतना ये फंक्शंस खराब होने का ज़्यादा चांस होता है। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी का यंग एज में सब्सटेंस यूज ट्राई होता है तो उसका बाद में सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर किसी का लेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से यूथ को जो है अपना फर्स्ट सब्सटेंस कोई भी हो वो जितना एक्सपोजर कम रहेगा इस एज में उतना ज़्यादा अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मतलब पूछ सकते हैं। थैंक यू।